नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और ताजा खबरों की इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में जानेंगे आज की महत्वपूर्ण और ताजा खबरों के बारे में। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे एक छोटी सी विनती करना चाहते हैं कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वहीं पर दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपके जनरल नॉलेज में वृद्धि के लिए आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। आज आपको कमेंट करके बताना है कि भारत के अंदर सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है। जी हाँ, कमेंट करके उसका नाम जरूर बताएगा। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज की खबरों के कारवा को। पहली खबर, लोकसभा से पारित हुआ विधेयक, राज्यों को मिलेगी अपनी ओबीसी सूची बनाने की शक्ति। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा में संविधान संशोधन 127 विधेयक 2021 को मंगलवार को पारित हो गया। यह विधेयक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को अपनी ओबीसी सूची बनाने की शक्ति को बहाल करने के लिए है। हाल ही में कैबिनेट ने इसे मंजूरी दी थी। राज्यसभा में भी इसके आसानी से पारित हो जाने की आसार है, क्योंकि सभी विपक्षी दल इस विधेयक पर एक साथ है। उल्लेखनीय है कि इस विधेयक के माध्यम से महाराष्ट्र में मराठा समुदाय से लेकर हरियाणा और उत्तर प्रदेश के जाट समुदाय को ओबीसी में शामिल करने और उन्हें आरक्षण देने का रास्ता साफ हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर, गंगा जल से होगा कोरोना का इलाज, बैक्टीरियोफेज नामक बैक्टीरिया पर चल रहा है रिसर्च। जी हाँ दोस्तों, हिंदू धर्म में गंगा नदी को माँ का दर्जा दिया गया है। इस नदी का पानी इतना पवित्र है कि इसमें कोई भी घातक विषाणु टिक नहीं पाता है। कोविड-19 के दौर में भी रिसर्च के दौरान गंगा में कोविड के वायरस नहीं मिले थे। ऐसे में गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज के माइक्रोबायोलॉजी विभाग के एचओडी डॉक्टर अमरेश सिंह का कहना है कि गंगा के जल में बैक्टीरियोफेज नामक बैक्टीरिया पाया जाता है, जिसके कारण गंगा जल में बेड बैक्टीरिया पनप ही नहीं पाते हैं। उन्होंने कहा कि IIM बेंगलोर की रिटायर प्रोफेसर एवं एनजीओ के साथ मिलकर गंगा के पानी से कोरोना की दवा बनाने पर रिसर्च चल रहा है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर, अगले 4-5 दिनों में इन राज्यों में होगी भारी बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। जी हाँ दोस्तों, मौसम विभाग ने देश के कई हिस्सों में अगले 4-5 दिन में भारी बारिश की संभावना जताई है। इस दौरान उत्तर और पूर्वोत्तर भारत, उप हिमालय, पश्चिमी बंगाल और सिक्किम के कई हिस्सों में भारी बारिश होने का अनुमान है। IMD के मुताबिक एक चक्रवाती परिसंचरण पूर्वी उत्तर प्रदेश पर बना हुआ है। उसने कहा कि अगले 5 दिनों के दौरान पूर्वोत्तर और उप हिमालय, पश्चिमी बंगाल और सिक्किम में भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा कि अगले 4-5 दिनों के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड में व्यापक रूप से बारिश होने की संभावना जताई गई है। वहीं पर IMD के मुताबिक 10 से 13 अगस्त के दौरान उत्तराखंड में और 11 से 13 अगस्त के दौरान पश्चिमी बंगाल के गंगा क्षेत्र में भारी बारिश होने का अनुमान जताया गया है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर, इस साल 10वीं 12वीं उत्तीर्ण करने वाले छात्रों के अंक सरकारी नौकरी में नहीं होंगे मान्य, जानिए वायरल मैसेज की सच्चाई। जी हाँ दोस्तों, सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो के साथ एक मैसेज में कहा जा रहा है कि 10वीं और 12वीं में प्रमोट होने वाले ध्यान दे, 10वीं और 12वीं के अंक पत्र सरकारी नौकरी में मान्य नहीं, टेट में प्रमोट 10वीं और 12वीं भी मान्य नहीं। कहा जा रहा है कि इस वर्ष 10वीं और 12वीं में प्रमोट होने वाले विद्यार्थियों के अंक पत्र सरकारी नौकरियों में मान्य नहीं होंगे, लेकिन क्या यह दावा सही है? इसी सवाल की खोज के लिए केंद्र सरकार की एजेंसी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो PIB की फैक्ट चेक विंग ने इस दावे की पड़ताल की। PIB ने ट्वीट कर कहा कि दावा इस साल 10वीं और 12वीं में प्रमोट होने वाले विद्यार्थियों के अंक पत्र सरकारी नौकरी में मान्य नहीं होंगे, ये दावा फर्जी है। केंद्र सरकार द्वारा ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है, कृपया ऐसी फर्जी तस्वीरें वे खबर साझा नहीं करें। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर, नैनो यूरिया को लेकर सरकार का बड़ा ऐलान, अमेरिका और यूरोप समेत कई देशों में एक्सपोर्ट करेगा भारत। जी हाँ दोस्तों, कृषि जगत में क्रांति लाने की संभावनाओं से भरे भारत के नैनो यूरिया लिक्विड का डंका दुनिया भर में बजने वाला है। भारत अब अमेरिका, यूरोप समेत कई देशों को इसका एक्सपोर्ट करेगा। इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर को ऑपरेटिव लिमिटेड द्वारा ईजाद की गई नैनो यूरिया की मांग कई देशों में है, ऐसे में सरकार ने इसके निर्यात का फैसला लिया है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर, फेसलेस सर्विस घर बैठे मिलेगी, दिल्ली परिवहन विभाग की 33 सेवाएं शुरुआत आज से। जी हाँ दोस्तों, परिवहन विभाग की 33 सेवाएं आज से फेसलेस हो जाएगी। अब वाहन संबंधी दस्तावेजों के लिए परिवहन विभाग के दफ्तर जाने की आवेदकों को कोई जरूरत नहीं होगी। ऑनलाइन आवेदन के जरिए डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस, पते में बदलाव, नए कंडक्टर लाइसेंस,
रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, डुप्लीकेट आरसी, एनओसी, परमिट ट्रांसफर, पैसेंजर सर्विस व्हीकल बेज सहित परिवहन संबंधी अन्य दस्तावेज भी हासिल किए जा सकेंगे। सेवाओं के फेसलेस होने से हर महीने लाखों आवेदकों को बड़ी राहत मिलेगी। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। कोरोना की तीसरी लहर, अमेरिका व ब्रिटेन में बच्चों में बड़ा संक्रमण, भारत के लिए भी खतरे का संकेत। जी हाँ दोस्तों, भारत में कोरोना की तीसरी लहर से बच्चों को अधिक नुकसान होने का अनुमान है। वहीं अमेरिका और ब्रिटेन में बच्चों में संक्रमण के मामले पहले से दो लहर की तुलना में बढ़ गए हैं, जो हमारे लिए खतरे का संकेत है। अलबामा, अरकानसा, लुसियाना व फ्लोरिडा में 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में संक्रमण के मामले बढ़ने लगे हैं। अरकानसास में चिल्ड्रेन अस्पताल में संक्रमण से भर्ती होने वाले बच्चों की दर 50% की वृद्धि दर्ज की गई है। 7 नवजात आईसीयू में तो 2 वेंटिलेटर पर जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। तेलंगाना में भाजपा नेता की कार की डिक्की में बंद कर जिंदा जला की मौत। जी हाँ दोस्तों, तेलंगाना के मेडक जिले में मंगलवार को एक स्थानीय भाजपा नेता को जिंदा जला दिया गया। कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने भाजपा नेता को कार की डिक्की में बंद कर आग लगा दी, जिसके बाद उसकी दर्दनाक मौत हो गई। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। अब 2 शिफ्ट में ड्यूटी करेगा दिल्ली पुलिस, एक थाने में होंगे 7 इंस्पेक्टर। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली पुलिस की कार्यशैली में बदलाव होने जा रहा है। नए कमिश्नर राकेश अस्थाना के आने के बाद अब दिल्ली पुलिस की ड्यूटी में शिफ्ट व्यवस्था लागू होने जा रही है। जानकारी के अनुसार अब दिल्ली पुलिस 2 शिफ्ट में काम करेगी और हर थाने में 7 इंस्पेक्टर होंगे। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। राज कुंद्रा की मुश्किलें बरकरार, अग्रिम जमानत याचिका को कोर्ट ने किया खारिज। साइबर सेल ने 2020 में दायर किया था मामला। जी हाँ दोस्तों, एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही है। जेल की हवा खा रहे राज कुंद्रा को हर तरफ से झटके लग रहे हैं। अब राज कुंद्रा के लिए एक झटका लगा है। एक सत्र अदालत ने मंगलवार को महाराष्ट्र साइबर पुलिस द्वारा पिछले साल नवंबर में कुछ ओवर द टॉप यानी कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कथित रूप से अश्लील सामग्री दिखाने के मामले में उनकी अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। रिपोर्ट में हुआ खुलासा, साल 2020 में भारत में सिर्फ गड्ढों के कारण 35 हुए एक्सीडेंट। जी हाँ दोस्तों, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने संसद को बताया कि साल 2020 में गड्ढों के कारण देश में कुल 3564 सड़क दुर्घटनाएं हुई। दुर्घटनाएं पिछले 5 सालों में सबसे कम बताई गई है। 2016, 2017, 2018 और 2019 में गड्ढों के कारण सड़क दुर्घटनाओं की कुल संख्या क्रमशः 6424, 9423, 4869 और 4775 थी। गडकरी ने यह भी कहा कि उनके मंत्रालय ने 4 कारकों के आधार पर सड़क सुरक्षा के मुद्दे को संबोधित करने के लिए एक बहुआयामी रणनीति बनाई है, जिसमें शिक्षा, सड़कों और गाड़ियों की दोनों की इंजीनियरिंग, एनफोर्समेंट और आपातकालीन देखभाल शामिल है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। संसदीय समिति की सरकार को चेतावनी, एफसीआई में नियंत्रण से बाहर हो सकता है भ्रष्टाचार, कड़ी कार्रवाई पर जोर। जी हाँ दोस्तों, संसद की एक स्थायी समिति ने मंगलवार को चेतावनी दी है कि अगर सख्त कार्रवाई नहीं की गई तो भारतीय खाद्य निगम एफसीआई में भ्रष्टाचार नियंत्रण से बाहर हो सकता है। समिति ने इस सरकारी स्वामित्व वाली संस्था के अधिकारियों के खिलाफ बड़ी संख्या में सतर्कता जांच के मामलों को लेकर चिंता जताई है। एफसीआई खाद्यान्न की खरीद और वितरण मामलों की शीर्ष एजेंसी है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। पीएम मोदी ने आज से मुलाकात कर सकते हैं पंजाब की सीएम अमरिंदर सिंह। जी हाँ दोस्तों, पंजाब की मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह बुधवार को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर सकते हैं। समाचार एजेंसी ANI ने सूत्रों के हवाले से यह जानकारी दी है। इससे पहले मंगलवार को अमरिंदर सिंह ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और उसने किसानों के लंबे समय से चल रहे आंदोलन के सामाजिक, आर्थिक और सुरक्षा प्रभावों का हवाला देते हुए तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की अपील की है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। अफगानिस्तान से सैनिकों की वापसी पर जो बाइडेन ने कहा, अपने फैसले पर नहीं है कोई पछतावा, बड़ी कार्रवाई की मांग। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मंगलवार को कहा कि उन्हें अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों को वापस बुलाने को अपने फैसले पर कोई पछतावा नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति का यह बयान तब आया है जब तालिबान ने हाल ही के दिनों में तेजी से अफगानिस्तान के कई प्रांतों पर कब्जा कर लिया है और लगातार हिंसक वारदातों को अंजाम दे रहा है। उन्होंने अफगानिस्तान के नेताओं से एकजुट होने और तालिबान आतंकियों के खिलाफ अपने देशों के लिए लड़ने की अपील की है।
चलिए दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।